Hello friends, I'm Hussain Lagari. As you know, we are delivering the classes under our capacity building project, enabling youth for education. So now we have Sir Abdul Qadir. He has to deliver his first class or first lecture of physics. So I would like to ask Mr. Qadir to start his lecture. Sir Qadir, are you there? Yes, I'm here. So let's start. Okay, this is Abdul Qadir Lagari, lecturer of physics at the Benazir Bhutto Sheikh University of Technology, Skill Development, Khaipur Mears, and now I am your facilitator here at the platform of SSDP. Okay, along with Hussain Lagari. So today is our first lecture of physics, in which we will discuss introduction and scope of physics. जी तो हाँ अस पे सराउंडिंग में मुख्तलिफ फेनोमिनन के ऑब्जर्व क्यों था या प्रोसेस के ऑब्जर्व क्यों था लेट सपोज असूँ था तो सो कलर है हाँ कलर एक यानि कि ऑब्जर्वेशन असानी उनमें अस कलर कि तो नजर अचे यो भी फिजिक्स की फील्ड है जैसे अस चवन ऑप्टिक्स ठीक वो रिफ्लेक्शन के कर अचे तो अड़े हिसाब से असानी फिजिक्स जो वह तमाम घनी वसी है जैमें अस वा खोड़ सारे ऑब्जर्वेशन अस डेली लाइफ में थी रही जैमें अस गाड़ी की मूवमेंट है कार की मूवमेंट है बस की मूवमेंट है या मोशन के अस डिस्क्राइब कहो फील्ड थी पवी है जैसे अस मैकेनिक्स चवन ठीक अड़े हिसाब से बी भी खोड़ सारे सो सब फील्ड है फिजिक्स जो फिजिक्स एक तमाम वसी सब्जेक्ट है उनके अस तमाम गहराई में भी ऐसी पर अस इतने छो तो ये पर्यो लेक्चर है अस इनके बेसिक का स्टार्ट कहते आहिस्ते आहिस्ते उनकी गहराई का कहें ठीक है मां साईं हुसैन के चवंदुस हाँ पीपीटी शेयर कर लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ छो तो ऑलरेडी असो कुछ टाइम लेट थी चुको है सर हुसैन ओके ओके तहां के स्क्रीन ते नजर अची रही हों तो इहो जेको आहे सो असो चैप्टर नंबर 1 है जे में असो स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ंदा सी ठीक असो पहले स्टार्ट कंदा सी जेको आहे सो साइंस का हाँ जी तो तहां खबर है साइंस आहे छा हाँ साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंसिया जे में वर्तो वयो आहे साइंस जेको आहे सो उन जी या उन लफ्ज जी का माना थींदी आहे उहा थींदी आहे नॉलेज हाँ नॉलेज खोड़ सारी होंदियों पर इतने अस नॉलेज की गाल इल्म की गाल अड़ी नॉलेज जी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के जरिए मिले तो अड़े किस्म की नॉलेज के अस चवे साइंस चवंदा ठीक हाँ साइंस जहाँ उ तमाम घना जो एरियाज हूँ या ब्रांचिस होंदियों पर अस इतने मेन फोकस किया फील्ड्स से या ब्रांचेस से जैमें असि अची वे थी बायोलॉजिकल साइंस बी जो अची वे थी असि फिजिकल साइंस हाँ ये वर्ड बायोलॉजिकल साइंस का ही असा खबर पे थी तो बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैमें अस लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ू जो जोलॉजी थी वही बॉटनी थी वही भी खोड़ सारे ब्रांचेस हैं वो सब बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है उनसा गो गुड वरी अस नेक्स्ट है फिजिकल साइंस हाँ फिजिकल माना जी शच कर सकूँ या बिन लफ्जन में ये खी चाहूँ जो नॉन लिविंग थिंग्स हुजन जैमें अस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ू जो मैटर थी एनर्जी थी वही या उनके तुलन लेखे अस फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ्स ये सब छा में अची थी वन जो फिजिकल साइंस में अची थी वन हाँ अस चाहे सब्जेक्ट की तरफ वो है फिजिक्स हाँ फिजिक्स है फिजिक्स एक पार्ट है नेचुरल फिलोसफी जो नेचुरल साइंस जो असा चवंदी फिजिकल साइंस में जो फिजिक्स है वो पार्ट है या पोर्शन है नेचुरल फिलोसफी जो जो है सो नेचुरल साइंस जो जैमें अस स्टडी कहना मैटर की उनकी मोशन के बारे में पढ़ा पर अस मैट्रिक लेवल ते या फर्स्ट ईयर के बुक में जो डेफिनेशन लिखल है वह इिखल है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स इंट्रैक्शन यानि मादे एनर्जी उन पान में कड़ो तालुक या गंढापो है उनके बारे में स्टडी कह फिजिक्स चवंदा फिजिक्स जो एक मेजर डिवीजन है या मेजर पार्ट है छाजो नेचुरल साइंस जो चो खी या साइंस ठीक हाँ ये वर्ड फिजिक्स आयो किथा इनकी ओरिजिन या इनको बुनियाद किथा पे
हाँ इन जो बुनियाद है या जो ओरिजन है ग्रीक वर्ड फिजिकोस में स्टार्ट थी जैसी माना है नेचर या स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज यानी जो वर्ड फिजिक्स है वो असो वर्तल है फिजिकोस में जो शायद मेंशन ना थे पर वही भी रिपीट तो कर छा जो वर्ड फिजिक्स है वो फिजिकोस में ड्राइव थियल जो ग्रीक वर्ड है जैसी माना है स्टडी ऑफ नेचर आर सिंपली नेचर आर स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज ओके हाँ जो फिजिक्स के सब डिवीजन्स या फिजिक्स में कड़ा पैरामीटर या कड़ी कड़ी शूं अची वन अस फिजिक्स में वे पैमाने से भी शूं तमाम नंढड़े पैमाने से भी शूं जी वे पैमाने से शूंदा जी मिसाल के तौर पर असा सिज थो या चंड उनो मोशन है इनके या असो इवन पो मूवमेंट है बसिस जो मूवमेंट है या मोशन है कार्स जो मूवमेंट है या मोशन है उन फील्ड के या फिजिक्स की अस चाहूँ मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड बी होंगी जी असो एटम आटम के अंदर अस खबर आ इलेक्ट्रॉन्स होंदा प्रोटॉन्स होंदा न्यूट्रॉन्स होंदा उ भी मदार में मोशन कन पा ठीक जी बी फिजिकल फेनोमेनॉन्स उनके जी अस स्टडी कहूँ तो वह जो फिजिक्स के अम्ब्रेला में अच्छी थी वे जैसे अस मैक्रोस्कोपिक स्टडी चवंदा आहियूं ठीक आहे मैटर जी ठीक एंड सर नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट में अस अची थी वन मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना में असो पर्यों है क्लासिकल फिजिक्स जी पे गाल क्लासिकल फिजिक्स जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं जैमें अस मैकेनिक्स यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा आयो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ऑप्टिक्स है थर्मोडायनामिक्स है हाँ तुम स्क्रीन से शो थे रो है हाँ मैकेनिक्स है मोशन ऑफ पार्टिकल्स इतने पार्टिकल्स का मुराद सो बॉडीज ठीक है जो बॉडीज मूवमेंट कन या मोशन कन उन मोशन कड़े रेक्टिलिनियर लीनियर कर्व पाथ या उन बारे में पढ़ा उनकी स्पीड केतरी केतरो स्लो थी हलन केतरो तेजी से हलन यानी उनकी वेलोसिटी उनकी एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह अस मैकेनिक्स में पढ़ा मैकेनिक्स में अस न्यूटन्स जहाँ लॉज पढ़ा ठीक है न्यूटन जो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ यो भी अस मैकेनिक्स जो पार्ट है या अस ग्रेविटेशन की स्टडी क्या यो भी अस मैकेनिक्स जो पार्ट या रॉकेट किए तो जो है सो हवा में वे या जो तिठो हों समुंड के मत लहरू किए थी ठहन ये भी असो पार्ट है मैकेनिक्स जो पार्ट है ओके उनका पो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अस चार्जेस ए मैग्नेटिक फिनोमेना जो चार्ज बॉडीज उन बारे में पढ़ा जी तिठो हों वारन फणी दींदा वह फणी जो टच कौ कें भी पेपर से तो वो पेपर के अट्रैक्ट कीक यो इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्जेस क्रिएट थी पर इतने जी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की असं गाल जैसे चार्जेस मोशन में आन उनके फिनोमेना कड़ी ठीक है मैग्नेटिक फील्ड कें कंडक्टर के अराउंड ठहंदी है या मैग्नेटिक फेनोमेना है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के करे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थे पी सिंपली इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड मोशन ओके उनमें मुख्तलिफ लॉज एंड कूलम्स लॉ से पढ़ासी ओरिस्टेड लॉ या इंटर जहां एम्पियर्स लॉ तुम दिखो हों असा सिग्नल्स किए था पहुंचन एंटीना जो वर्किंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स से है ठीक एंड एट्सेट्रा बो वरी है अस ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में अस लाइट की स्टडी क्या लाइट जैसे मीडियम में बे मीडियम में ट्रैवल करे थी वहाँ कि बिहेव थी करें उनमें रिफ्लेक्शन थे थी उनमें रिफ्रेक्शन थे थी उनमें एंगल थे थी रिफ्लेक्ट सरफेस से लाइट जो रे करे तो उनके इंसिडेंट रे चौदा उत एंगल थे थी उनके इंसिडेंट्स एंगल चौदा जो इतने राइट हैंड साइड नजर भी जी लाइट से रिलेटेड मैके इंस्ट्रूमेंट्स उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में अस ऑप्टिक्स में पढ़ा जी तक पे अस कलर्स ऐसा वह असिच है ऑप्टिक्स है ठीक उनका पो है अस थर्मोडायनामिक्स इनमें अस पढ़ा जो हीट एनर्जी है वह किन फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट थे थी वर्क में या बिहार चेंजेस अचन था ठीक है उनके बारे में जी एंट्रोपी थी या टेम्परेचर कें भी सिस्टम जो चेंज थे तो यो सो में तो अची वे असो यो अची वे तो थर्मोडायनामिक्स ओके हाँ अस इनमें रेफ्रिजरेटर की वर्किंग भी पढ़ासी अगते हली इनमें एफिशंसी ऑफ हीट इंजन भी पढ़ासी हीट इंजन कड़ा होंगे तबर होंगी जी असाजा हीट से हल ट्रेन होंगी कोयले हलंदी ये सब छा असा हीट इंजन्स होंगे
सर नेक्स्ट उनका पो आहे असांजी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेन हाणे जेके तव्हांखे मूं ऑलरेडी तव्हांखे ॿुधायो जेके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी बि असां स्टडी कंदा आहियूं इन्हनि जी जेका स्टडी आहे उहा टोटली बेस्ड आहे क्वांटम थ्योरी ते ओके हाणे क्वांटम थ्योरी सां जेका रिलेटेड स्टडी असां कयूं था उनखे एटम जी स्ट्रक्चर कीअं आहे उन्हनि जा इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटॉन पाण में कीअं जेके आहिनि सो इंट्रेक्ट कनि था कहिड़ी फोर्स लॻाइनि था उहा जेका आहे सो असांजी छा में अची थी वञे माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना में अची थी वञे ओके हाणे अचूं था स्कोप ऑफ फिज़िक्स फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी हाणे तव्हांखे हर हंधि फिज़िक्स में फिज़िक्स ॾिसण में ईंदी जीअं मूं पहिरें ॻाल्हि कई त हाणे हिते कुझु एरियाज़ लिखियल आहिनि विद इन फिज़िक्स उन खां पोइ जेको आहे सो उन्हनि जा नाला आहिनि सब्जेक्ट आहे ऐं कुझु एग्ज़ाम्पल्स ॾिनल आहिनि ठीकु हाणे तव्हां ॾिसंदो मैकेनिक्स हाणे मैकेनिक्स कहिड़ियुनि शयुनि खे या असां कहिड़ी शइ खे मैकेनिक्स चवंदा आहियूं मोशन ऐं उन जे काज़िस जेके आहिनि उहे कहिड़ी अम्ब्रेला में था अची वञनि या कहिड़ी फील्ड सां रिलेटेड आहिनि उहे मैकेनिक्स सां रिलेटेड आहिनि हाणे उन जा कुझु एग्ज़ाम्पल्स आहिनि फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रैक्शन वेट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स इहे सभु छा में असां स्टडी कंदासीं कहिड़ी फील्ड में फिज़िक्स में स्टडी कंदासीं इहे असां स्टडी कंदासीं मैकेनिक्स में उन खां पोइ आहे थर्मोडायनेमिक्स जीअं मूं तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त थर्मोडायनेमिक्स में असां हीट ऐं टेम्परेचर जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं उन जा कुझु एग्ज़ाम्पल्स तव्हांखे हिते ॾिसण में ईंदा जंहिंमें मेल्टिंग आहे फ्रीज़िंग प्रोसेस आहिनि ठीकु आहे इंजन्स आहिनि रेफ्रिजरेटर्स आहिनि इहे सभु असां छा में थियूं अची वञनि जेके आहिनि सो थर्मोडायनेमिक्स में थियूं वञनि ठीकु उन खां पोइ असांजो आहे नेक्स्ट ते वाइब्रेशन एंड साउंड वेव फिनोमेना हाणे स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड जंहिंखे असां वाइब्रेशन चवंदा उहे असां हिते स्टडी कंदासीं उन खां पोइ असां उनमें जेको आहे सो स्प्रिंग पेंडुलम थी वियो साउंड थी विया इहे सभु असां छा में स्टडी कंदासीं वाइब्रेशंस एंड साउंड फिनोमेना ऑप्टिक्स डायरेक्टली रिलेटेड आहे लाइट सां जीअं असां पहिरें पढ़ी आयासीं जंहिंमें असांजा मिरर्स लेंसेस कलर्स ऐं एस्ट्रोनॉमी वग़ैरह अची था वञनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म ऐं लाइट जो जेको आहे सो पाण में तालुक या उनखे असां रिलेशन खे स्टडी कंदा जंहिंमें इलेक्ट्रिकल चार्ज हूंदी उहा कीअं थी मूव करे ठीकु आहे ऐं मूवमेंट जे करे कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि सो प्रोड्यूस थियनि थियूं उन्हनि जे बारे में पढ़ंदासीं परमानेंट मैग्नेट्स जो बिहेवियर कीअं हूंदा आहिनि ऐं उहे छो थींदा आहिनि उन्हनि जा रीज़न्स हली अॻिते पढ़ंदासीं उहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में अची वेंदो आहे रिलेटिविटी में असां पार्ट हाई स्पीड मां मुराद असां जेका आहे सो ईअं न आहे त स्पीड ऑफ लाइट सां कहिड़ी बि स्पीड थी सघे थी 100 miles per hour या जेके रॉकेट्स मूव कंदा उन्हनि जी स्पीड तमामु ज्यादा हूंदी आहे जीअं असां जहाज़ मूव कंदा उन्हनि जी स्पीड इहे सभु असांजा अची वेंदा रिलेटिविटी ठीकु आहे जीअं पार्टिकल कोलियन थी या पार्टिकल एक्सेलरेटर थी या न्यूक्लियर एनर्जी थी वई इहे सभु असांजा रिलेटिविटी में अची वेंदा क्वांटम मैकेनिक्स में हाणे क्वांटम जेको लफ्ज़ आहे उहो नंढे क्वांटम जो मतिलबु हूंदो आहे नंढे में नंढो पॉसिबल साइज़ ठीकु हाणे हिते असां जेका नंढे में नंढी पॉसिबल साइज़ आहे उहा एटम में अंदरि जेके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आहिनि उन्हनि जे बारे में स्टडी खे असां छा चवंदा आहियूं क्वांटम मैकेनिक्स चवंदा आहियूं ठीकु आहे हाणे हिन में असां हिकिड़ी पिक्चर ठाही आहे जंहिंमें हिकिड़ी कार ॾेखारियल आहे ऐं हुन जे मुख़्तलिफ़ पार्ट्स में तव्हांखे आइडेंटिफाई करिणो आहे त कहिड़ी फील्ड उन पार्ट खे स्पेसिफाई या डिफाइन करे थी हाणे तव्हांखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ॾिसण में ईंदी किथे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जे कहिड़े कहिड़ियूं शयूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म जे प्रिंसिपल्स ते कमु कनि थियूं बैटरी थी वई स्टार्टर थी वियो हेडलाइट थी वई इहे सभु छा ते वर्क कनि थियूं इहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म ते कमु कनि थियूं उन खां पोइ अचूं था थर्मोडायनेमिक्स ते एफिशंसी थी वई उन जे इंजन जी उहा थर्मोडायनेमिक्स जो हिकिड़ो पार्ट आहे या थर्मोडायनेमिक्स में असां पढ़ंदा आहियूं इंजन जेको आहे उहो असांजो छा आहे थर्मोडायनेमिक्स में अची थो वञे उन खां पोइ असांजो यूज़ ऑफ कूलेंट्स जेके सो असांजा आहिनि जेके माना इंजन खे कूल करण जे लाइ असां रेडिएटर थी वियो उहे जेके आहिनि सो छा ते कमु कंदा उहे थर्मोडायनेमिक्स ते कमु कंदा या कहिड़ी अम्ब्रेला में अची था वञनि फिज़िक्स जी में उहे थर्मोडायनेमिक्स में अची वञनि वरी अचूं था हिते तव्हांखे आईना या शीशा या साइड मिरर जेके ॾिसण में ईंदा उहे हेडलाइट ॾिसण में ईंदियूं इहे कहिड़े प्रिंसिपल तहत कमु कंदियूं इहे जेके आहिनि सो असांजे ऑप्टिक्स जे प्रिंसिपल ते कमु कंदियूं यानी कि उन्हनि ते मथां लाइट किरे थी या ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं खणी अचो जेको ऑब्जेक्ट हुनजे पुठियां अचे थो हुनजे मथां लाइट किरी हिन मिरर ते पए थी ऐं असां हुनजो इमेज ॾिसी सघूं था इहा असांजी छा आहे ऑप्टिक्स आहे उन खां पोइ मोशन ऑफ व्हील टायर्स प्रोवाइड इनफ फ्रिक्शन आर
फ्रिक्शन फॉर ट्रैक्शन ठीक यो असन जो छा में तो अची वने यो जो अंदर ता के बुदा मैकेनिक्स में तो अची वने आही जे वाइब्रेशन एंड मैकेनिकल वेव्स शॉक अब्सॉर्ब मतलब होना जे के हमें जंपर लगलन जे के या सावन के चवना जे स्प्रिंग लगलन जे के जंप के रोकिना या सा के जे के असन चवना झाको जे को इंदो उनके अब्सॉर्ब करना स्प्रिंग लगलना उदे जे के शॉक अब्सॉर्ब जो काम करना या असन जे के साउंड इंसुलेशंस वगैरह लगलन ये असन छा में तो अची vibrations and sound phenomena ta chi thik mujhe khayal mein ye image ta jale physics de mukhtalif parts ke samjhan lai kafi hundi ehde code sare view images an ta cycle khani disjo cycle mein kehda kehda parts kehde kehde tarike sa kam kanda aur nikli kadi field istemal se thi uho ta jo ego de paisa ma chaunus paan explore kare varjo ai po ta solar panel ajkal aam thi va ta solar panel khani disajo uho chhate kam kando an jo principle ta jani डिसी इंदो थोरो पान सर्च आउट करे इंदो अन्या वधिक ता के समझ में आ छी ठीक है सोलर में चाउ लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट थी रही पर जो प्रिंसिपल एकडो हुंदो आ वो मा ता इन क्लास में कोन तो बता नेक्स्ट क्लास में बता ने एन जे करे ता उन के थोरो रिपीट करे जो सर नेक्स्ट ओके हां सा बणदा सी यूनिट एंड इट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स हाने यूनिट होंदो चाहे या सिस्टम ऑफ यूनिट्स छा होंदा ना सा उन जे बारे में हते स्टडी करनास ठीक हाने यूनिट होंदो चाहे वो ता के मा बुदा हाने जाहिरा ता डठो होंदो त हान जी मा ता के चवान हन बाल जो जे पैसो मके वेट बुदायो जाहिर गाल हान ता ही हथ में रखी तो वेट कोन ता बुदा सको ना एकड़े के जी ग्राम जो आ बिन ग्राम जो आ या घटा या वदा वो ता के ने के शे सा उनके कंपेयर कनो ना ठीक है जेका शे अवेलेबल होंदी लेट सपोज हाने असा वटा जेके मासेस आन 1 ग्राम आ 10 ग्राम आ 500 ग्राम आ 1000 ग्राम आ जेके किलो चौंदा या 500 ग्राम आ जेके आधा किलो चौंदा 250 ग्राम आ जेके असा पंजी लैंग्वेज में सिंधी में पा चौंदा वो कहने के शे असा उनके कंपेयर कंदा यानी ये जेके कंपेयर जे सया असा केउंदा किलो थियो या ग्राम थियो ये असा जे छा स्टैंडर्ड आ ठीक है एहड़न स्टैंडर्ड के असा छा चौंदा आ यूनिट चौंदा आ त ये असा जा यूनिट फिक्स चलन को आर्बिट्री यूनिट एन हिगली मीटिंग थी वा मा ता जते हवालो निया तो आ डिटेल बता पर जेके यूनिट्स हुंदान उवे छा हुंदान एकडो स्टैंडर्ड हुंदा जे शय सा उनके कंपेयर कबो आ ठीक आ हाने उन स्टैंडर्ड खा जेका जे शय के कंपेयर था क्यों लेट्स सपोज इन बाल के असा जेको है सो कंपेयर क्यों दा कें भी ग्राम सा या जेको है सो केजी सा हाने जाहिर आ वो केजी का केत्रो घटा हाँ असो के जी जो थी वो स्टैंडर्ड थी ठीक वो मास जो स्टैंडर्ड आ ठीक वो केतरो उन के जी का वधिक आ या घट आ उन कंपैरिजन के असा चवना मेजरमेंट ठीक हाँ मेजरमेंट में जो जै शय से कंपेयर किया वो जो स्टैंडर्ड हों उन स्टैंडर्ड के असा चवन यूनिट चवंदा ठीक हाँ जी तिठो तो यूनिट जो मतलब हाँ स्टैंडर्ड जो हों यूनिट हों ठीक हाँ उन स्टैंडर्ड से सारी दुनिया में सो शूँ कंपेयर कबन जी अस चवी दुकान वे वही बाबा अस मीटर कपड़ो दे तो हाँ उन वटा को ना को मापे जो आलो हों या औजार हों जैसा वो अस मापे दी जैसे अस बाल चवल चवे या को भी फुट स्केल होंगी वो कहे नापी जी उन पैमानो हों जो उन जेत्रो दिंदो तो ओत्रो असा के 6 मीटर कटे दिंदो ना उन का घट कटे दिंदो ना वद कटे दिंदो एड़े किस्म दी आले के या एड़े किस्म दी औजार के असा छा चवना स्टैंडर्ड चवना देखो स्टैंडर्ड हुंदा उन के असा बिन लफ्जन में फिजिक्स में असा छा चवना यूनिट चवना सी हां जे वो यूनिट आ यो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ जेको ओवरऑल द वर्ल्ड असा फॉलो कंदा ओके हां वरी बाल जेको आ बाल एक फिजिकल क्वांटिटी है जेके असा टच करे सकों दा फिजिकल क्वांटिटी छा होंदी आ फिजिकल क्वांटिटी या होंदी आ जें शय के असा टच करे सकों ठीक आ आयन के असा मेजर करे सकों अड़े किस्म दी फिजिकल क्वांटिटी के असा फिजिकल क्वांटिटी चाहो जी बाल आ बाल जो को ना को डायमीटर होंदो आयन का ना का उन जो वेट होंदो असा उन के मेजर करे सकों दा अड़े किस्म दी शय के असा जो को फिजिकल क्वांटिटी चाहो ना हां जी वरी मा मिसाल या बुखार आ ठीक आ मथे में सूर आ ये छा फिजिकल क्वांटिटीज आहन नो नेवर छो तो असन शन के कम जो है सो टच को करूँ
या बिन लफ्ज़न में ऐसा करनी चाहूँ फीलिंग्स जो क्या है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज ना है ना वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है ठीक ओके हाँ ने वरी यो क्वेश्चन आ अच्छा असा वट यूनिट हिकड़ो होंदो या उनका वधिक थी सकंदा यूनिट कहीं भी हिकड़ी क्वांटिटी जा ठीक है हाँ ने असा वट जो यूनिट होंदो आ वो हिकड़ो ही होंदो आ जो असा वट एसआई सिस्टम में आ है ना वो ट्रे है ना ठीक है जो पहली हुई है यहाँ के असा बेस या फंडामेंटल यूनिट चवना उहे असा वटा सतन जी लेंथ मास एंड टाइम जा जो यूनिट है वो फिक्स है वो हिकड़ो ही होंदो उनका वधिक जे कहन सो यूनिट कौन था थी सेकंड बेस ठीक है बेस यूनिट हमेशा हिकड़ा होंदा है उन यूनिटन में जे के बिया यूनिट ठांदा उन जे मिलाप जे करे एड थिन मल्टीप्लाई थिन या डिवाइड थी करे जे बिया यूनिट ठांदा उन के असा ड्राइव यूनिट चवंदा जे के इन सतन क्वांटिटीज या यूनिटन ने वो अते मादा शो तो गया उन क्वांटिटीज के असा चार चवंदा सी बेस क्वांटिटीज चवंदा सी या बेस फिजिकल क्वांटिटीज चवंदा सी उन जे यूनिट्स के असा चवंदा सी बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज चवंदा ठीक हाने जेको सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहे जेको बेस एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट्स जे के गडियल तौर असा चा चवना सिस्टम ऑफ यूनिट्स चवना मा वरी एक दफो रिपीट किया तो जदी असा बेस आने केडी थी सत क्वांटिटीज जे में लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ठीक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ये जे के ये असा जो बेस क्वांटिटीज हैं या प्लेन एंगल आए जेको सो सॉलिड एंगल ये असाजा फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है इन यूनिट फंडामेंटल यूनिट है हाँ वरी उन मिलाप के यूनिट आनता ड्राइव यूनिट चवंदा इन बिन्न बेस एंड ड्राइव यूनिट के कॉम्बिनेशन के चवंदा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चवंदा ओके सर नेक्स्ट हाँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हाँ चवंदा इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हाँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पहले हर मुल्क वो स्टैंडर्ड होंगे ठीक हर कंट्री वो एक स्टैंडर्ड होंगे जदी अस इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन थी तो हाँ से सपोज अस टे यूनिट हर कंट्री वट माना इन को यूज हों ठीक हाँ जो सी जी एस यूनिट वो भी राय जो कंट्री में ठीक है CGS, MTS बई जे कहन सो ये असांजा फ्रेंच सिस्टम्स हैं ठीक है ये बई असांजा चाहें CGS एंड MTS सिस्टम फ्रेंच हैं और जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटिश यूनिट ठीक हाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ यूनिट हुंदा होया तो को हाँ CGS सिस्टम में जी दाली सी सको था जो लेंथ जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है मास जो ग्राम है टाइम जो सेकेंड है अड़े हिसाब से वरी MTS सिस्टम में जो बेस यूनिट हुंदा हो मीटर किलोग्राम एंड सेकंड छाजे लाए मास जे लाए जे को किलोग्राम लेंथ जे लाए मीटर एंड टाइम जे लाए सेकंड होयो एंड बाकी ब्या जेके भी यूनिट होया वे ड्राइव यूनिट हुंदा है जे फोर्स जो यूनिट थी यो डिका वेट जो यूनिट थी वे सब ड्राइव यूनिट्स हुंदा है एफपीएस सिस्टम में लेंथ जो यूनिट फुट एंड मास जो यूनिट पाउंड एंड जे को टाइम जो यूनिट सेकंड होयो ठीक हां इते जे को सो पाउंड के अस एलबी से रिप्रेजेंट करना है ठीक है फुट के एफटी से रिप्रेजेंट करना है सेकंड के असा एस सा रिप्रेजेंट करना छो तो वे जे के लेटर्स आन वे ताके कलर्ड नजर इंदा उनन दी फर्स्ट जे का सो लेटर आ उनके असा सिंबल तो यूज करना है ओके हाने जे को असा वट आजकल यूज थे तो सिस्टम यो सिस्टम जे को सो इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम दी इंटरनेशनल यूज थे तो हाने जे का ताके दिसन में अचो तो ए या जे को सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनाइट्स यो हेकड़ो जे को सो असा जो फ्रेंच वर्ड आ है या फ्रेंच फ्रेज आ जे जो मतलब छ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जेके असा एब्रिविएशन सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ंदा सी या एसआई सा एब्रिविएट कंदा सी यो सिस्टम जेको है सो एकडी मीटिंग थी है जेनेवा में ठीक है पेरिस में जे जो मतलब छ आयो या उन जी माना छ आयो जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मेजर्स 1971 में थी ठीक उन में जेके सो ये शय स्टैंडर्डाइज कई वई इन में असा के ये जेके सो 7 यूनिट्स जेके सो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स कदाए करे टेबल में दिसन में अचन था इनके एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट डिफाइन कर चुका लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेंपरेचर ल्यूमिनेंस डेंसिटी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यूनिट ये फंडामेंटल यूनिट इन कॉम्बिनेशन के यूनिट ठाता असा उन्हें ड्राइव यूनिट्स चवंदी
कुछ जो 1960 में मीटिंग थी उन में कुछ यूनिट जो रहजी वया हुआ उन जो नालो कें भी शय में यूज कौन थो या कें भी कैटेगरी में कौन आंदो हो उन यूनिट्स के असा सप्लीमेंट्री यूनिट्स चवंदा आयो जैमें प्लेन एंगल जो यूनिट रेडियन है जैमें सॉलिड एंगल जो यूनिट रेडियन है उनकी एब्रीविएशन RAD एस आर तक सामने दिसण में इंदी 1971 में इन भी एस आई सिस्टम में इंक्लूड कर ठीक हाँ तेज अजकल जो असा राइज है सिस्टम वो जो सिस्टम है वो एस आई सिस्टम है ओवर ऑल द वर्ल्ड असो ही जर अस इतने 1 ग्राम चवी बी कंट्री वाले के भी 1 ग्राम वो समझ में अची वो बाबा ये 1 ग्राम चे तो जो अजकल अस खबर आ 100 1000 1 ग्राम जो है वो 1 ग्राम या हर जगह या 1 kg चवंदी 1000 ग्राम के बराबर 1 kg जहाँ दुबई में भी चवंद वही 1 kg को तेज पाकिस्तान वो उतार वो केजी में को भी फर्क न होंद ठीक पे ये न हो पे CGS सिस्टम MKS सिस्टम FPS सिस्टम में हर एक शैल्यू में डिफरेंस हुए मान एक कंट्री में हो जर वो सेंटीमीटर में कपड़ो वे पो बी कंट्री में वो मीटर में विकणे पो तो उनके नुकसान पो थे इन कर इन शरूरत पे असो यूनिफॉर्म सिस्टम हो जो न कें नुकसान पे ना जो समझण में दुखाई थे इन कर एस आई सिस्टम की असेंगे नीड पी जरूरत पे तो मीटिंग थी उनमें इन शूनिट फिक्स क्या वा फिक्स करपल टाइ ओवरऑल द वर्ल्ड जो भी कंट्रीज हुई उन्होंने माने छाया उन चौं इन कॉपी कर पा वट रखो इन इलाही सारी कॉपी कर मुख्तलिफ शॉप्स से या जिते जिते ये यूनिट्स यूज थनता उत मोकले छो तो जी उ कंपेयर थन अजकल तुम तो केजी जो वट या किलो जो वट जो है सो तक हर दुकान से नजर इंद इो बिल्कुल एग्जैक्ट उ शै है एस आई सिस्टम में डी वही है मीटिंग थी जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट एंड मयर्स 1971 में जो शे उ टाई वही उनको सैंपल आ उनकी कॉपी आ उनको प्रोटोटाइप आट हाँ मौजूद है उनके कॉपी कर अस हाँ केजी टाया हुआ अड़े हिसाब से 1 मीटर टाया हुआ अड़े हिसाब से अस टाइम सो 1 सेकंड है वो ओवरऑल द वर्ल्ड साग्यो ही है ठीक उम्मीद क्या एतरे तक क्लियर होंद जर क्लियर ना तो असेंगे फेसबुक पेज कमेंट कर सको इतने जो इतना पूछी सको या इनबॉक्स कर पूछी सको ओके सर नेक्स्ट ओके हाँ है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हाँ डायमेंशंस होंगी असि डायमेंशन जो हाँ से सपो सर पेज नेक्स्ट कर हाँ जो डायमेंशन है हाँ जाहिर गाल डायमेंशन कें फिजिकल क्वांटिटी कड़ा ठीक हाँ लेट सपोज मास है लेंथ जी एस आई सिस्टम में चाहिए सत बेस फिजिकल क्वांटिटीज ठीक हाँ उनमें जो असिटीज को सैम्पल इतने रखो उन सैम्पल के असा ब्रेकेट में रखा जी लेंथ जो सैम्पल है उनके ब्रेकेट में स्क्वायर ब्रेकेट है जो समझो ठीक उनमें रखा जी एल है यो रिप्रेजेंट कर लेंथ के जे मास है वो कैपिटल एम से लिखासी टाइम के कैपिटल टी से इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर आ उनके यूनिट ए कैपिटल से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उनको यूनिट केल्विन कैपिटल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट सी डी उनके ब्रैकेट में रखा स्क्वायर ब्रैकेट में रखी जी ये शुभ स्क्वायर ब्रैकेट में होजन समझी वो ये डायमेंशन यूज हाँ से सपोज मैं लिखा तो ठीक है वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर हाँ इनमें लेंथ के मथा केतरो जो है सो पावर आ हाँ डायमेंशन बुधाई डायमेंशन बेसिकली यो बुधाई फिजिकल क्वांटिटी या जो फिजिकल यूनिट है उनमें केतरे दफो आयो है या उनके मथा पावर केतरो हाँ जी अस वॉल्यूम की गाल कैसी तो वॉल्यूम में पावर उनको केतरो होंद 3 होंद यानी उनमें जो पावर है वो केतरो तो अचे डायमेंशन में 3 एल के पावर मथा पावर अस 3 दींदी ठीक And dimensions of physical quantity are the powers to which fundamental units are raised to obtain 1 unit of that quantity. Okay, yani on dimension yo budhaindi hai ke particular formula mein length, mass, time ya inan satan ma kehdi quantity jo power ketro aaye wo asange kehdi shay budhaindi wo asange dimension budhaindi. Okay,
हाँ डायमेंशनल एनालिसिस या होंगी डायमेंशन डायमेंशन असो बुदाई बाबा कड़ी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जो पावर केतो है कें भी फॉर्मुला में उनके चवंदी डायमेंशन उनके लिखण जो तरीको असो बाबा लेंथ के लिए एल है ब्रेकेट में लिखल मास के लिए एम कैपिटल है ब्रेकेट में लिखल टाइम के लिए टी कैपिटल है लिखल ठीक अस मोस्टली ये टे शूज लेंथ मास टाइम पर अगते हली इंटर में जी असंदी तो उते इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर मोल इन डायमेंशन भी कड़नी पवी इन असते ये शूं डिफाइन कर मोल के लिए एम ओ एल लिखासी ब्रैकेट में टेम्परेचर के लिखासी सो इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी लिखासी ओके इनके सत लिखी बाकी फर्स्ट ईयर में थ्रू आउट द कोर्स सिर्फ टिन कंसर्न हूँ लेंथ मास एंड टाइम जैमें असा लेंथ के एल कैपिटल से रिप्रेजेंट कंदी उनके ब्रेकेट में रखासी मास के एम कैपिटल से लिखासी टाइम के टी कैपिटल में लिखासी असाज कोर्स में ये ब्रेकेट में शूं किथे किथे ब्रेकेट में ना ठीक है या किथे कड़े हिसाब से पर मोस्टली अस ट्राई कंदी इन शे लिखो जी अस पढ़ू था ओके हाँ अच्छा डायमेंशनल एनालिसिस हाँ डायमेंशनल एनालिसिस या प्रैक्टिस है जेका चेक कंदा रिलेशन एकड़ी फिजिकल क्वांटिटी जी जेका सो उन में फार्मूले में उन जो केतरो आहे पावर ठीक है मानी पणा दो पो वरी इन दी एक्सप्लेनेशन बुक नाउ द डायमेंशनल एनालिसिस इज द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय आइडेंटिफाइंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दीस डायमेंशंस आर इंडिपेंडेंट एंड न्यूमेरिकल मल्टीपल्स कांस्टेंट ऑल द क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस हाँ इनमें अस कहसी को फॉर्मूलो ठीक हाँ डायमेंशन में अस कुछ कॉन्स्टेंट हूँ उनके अस डायमेंशनल कॉन्स्टेंट चवंता डायमेंशनल कॉन्स्टेंट अड़ी क्वांटिटीज होंगे जैसे वैल्यू होंगी फिक्स होंगी उनकी का ना का डायमेंशन होंगी ठीक है जी असांजी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट थी इन जी वैल्यू फिक्स है पर इन जे यूनिट्स उनकी डायमेंशन होंगी है एच थी प्लांक्स कॉन्स्टेंट थी इन जी भी कान का डायमेंशन है वो डायमेंशन टेबल मिली वी ओके उनमें दिसी सको था या यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर है उनकी कान का डायमेंशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम है सी ठीक इन जी भी कान का डायमेंशन है अड़न क्वांटिटीज के चवे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कुछ वरी अड़ी क्वांटिटीज होंगे जिनकी डायमेंशन न होंगी है जैसे अस चव डायमेंशन लेस क्वांटिटीज ठीक उनकी ना तो वैल्यू फिक्स होंगी बल्कि उनकी डायमेंशन न होंगी उनकी वैल्यू फिक्स होंगी सॉरी ओके हाँ उनमें जो प्योर नंबर्स वन टू जीरो माना जीरो का ऑनवर्ड जी भी नंबर्स उनकी डायमेंशन नी अस डायमेंशन एनालिसिस में उनके इंक्लूड न कहते जर किथे होंगी भी सही तो उनके खत्म कर छी जी पाए थी ई थी ठीक है साइन थीटा थी कॉस थीटा थी टेन थीटा थी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज विदाउट यूनिट्स इन ना यूनिट हूँ ना इन डायमेंशन ओके नेक्स्ट या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज विद यूनिट्स हाँ कुछ वरी क्वांटिटीज होंगे जिनको यूनिट हों पर डायमेंशन न होंगी जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी जिनको यूनिट रेडियन है पर इनकी डायमेंशन ना है या डायमेंशन लेस क्वांटिटी जी जोल्स कॉन्स्टेंट थी जैसे अस एच से रिप्रेजेंट क्यों ठीक है उनमें अस जे से रिप्रेजेंट कमें उनको यूनिट तो होंद पर उनकी डायमेंशन न होंगी डायमेंशन न होने मुराद यो आ रेशो है सिमिलर क्वांटिटीज इो भी सबब या यो सबब है जी ब क्वांटिटीज जो यूनिट सागे होंद तो उनकी डायमेंशन जीरो या उनकी डायमेंशन न थी जी जोल पर कैलोरी है एन जोल ठीक है यूनिट हाँ है पर ये बई यूनिट आन पर इन डायमेंशन जीरो या इन डायमेंशन न निकरंदी जगह कढ़ंदी तो असें को नंबर मिल वरी अगेन अस चवंदी नंबर की डायमेंशन न थी ओके सर नेक्स्ट कजो हाँ डायमेंशनल फार्मूलास हाँ डायमेंशनल फार्मूलास हाँ एक्सप्रेशन में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हाँ तक इतने फंडामेंटल क्वांटिटीज जो लीनियर मोमेंटम दिखारियल है उनको फार्मूलो एम ए वी है शायद ब्रेकिंग में दिखाया एम एल टी माइनस वन यो एम एल टी माइनस वन उन शायद डायमेंशनल फार्मूला है
एड़े हिसाब से जगर मा ता के चवा तो बाबा फोर्स इज इक्वल टू एम ए जे बराबर थिन या हाने उन जी डायमेंशन कडो तो वो जो को एफ इज इक्वल टू एम ए या हुआ डायमेंशनल हुआ जे गैस वसा जी इक्वेशन आ पर जदी ता उनन हर एक ठीक आ मास एंड एक्सेलरेशन जी डायमेंशन कडन उन का को जे को भी आंसर इज उन के सन डायमेंशनल फार्मूला चवदा से जी हते इंपल्स लिखल है जो फार्मूला चाहे एफ डॉट चेंज इन यानी चेंज इन टाइम अवन का पो दान उन जो जेको सो डायमेंशन दिसंदो वो छा तो निकले mlt minus 1 जेके सा डायमेंशनल फार्मूला चवंदास आई उन का पो सा वटा है पावर पावर ता के फार्मूला है दिसन में वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर और पावर जेका डायमेंशन होंदी उनके सा डायमेंशनल फार्मूला चवंदास ओके एड़े हिसाब सा वर्क आ एनर्जी जेका सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उन जी डायमेंशन ml स्क्वायर t minus 2 आ है हेदा ता के लेफ्ट हैंड साइड ते इक्वेशन आ है और राइट हैंड साइड ते उन जो डायमेंशनल फार्मूला आ है ठीक हाने जे हुंदा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन हाने असा पढ़ा डायमेंशनल एनालिसिस थींदी की आ है उन जो केड़ा रूल्स हुंदा है उन जी एप्लीकेशन छा है ओए असा पढ़ंदा हाने इते हम पूछे तो बाबा स्पीड एंड टेंपरेचर के जगर गदाए हो तो उते आंसर छा इंदो या इहो पॉसिबल आहे स्पीड एंड टेंपरेचर के पान में ऐड कयो या कंपेयर जे पासो एडिशन के उनन बिना आंसर आ इम्पॉसिबल पर इम्पॉसिबल छो आ असा वट स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी आ टेंपरेचर भी फिजिकल क्वांटिटी आ ओ इनन के असा ऐड छो कोंदा कर सको रीजन छा है छा जे करे इम्पॉसिबल त सर इन जो आंसर ही वायद इनन बिनन फिजिकल क्वांटिटीज जा यूनिट एंड डायमेंशन बिनन जा छान सेम ना है स्पीड जी डायमेंशन अलग है टेंपरेचर जी डायमेंशन अलग है ठीक असा डायमेंशन में ओही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कंदासी जे जो ठीक है डायमेंशन सेम हो जे हर एक टर्म जो या हर एक क्वांटिटी जो डायमेंशन सेम होदो तो वा शय ऐड थी सगंदी अदरवाइज डायमेंशन में वा शय ऐड न थिंदी जी मथे दिखारेला स्पीड एंड टेंपरेचर स्पीड एंड टेंपरेचर हन करे एड कोंदा थी सगन छो तो उनन जा डायमेंशनल डायमेंशन बिनन जा डिफरेंट है स्पीड जो अलग डायमेंशन है टेंपरेचर जो अलग डायमेंशन है स्पीड जो डायमेंशन है l / t या lt - 1 टेंपरेचर जो ब्रैकेट में असा के लिखना है ताकि इनन बिनन में वाज़े फर्क नजर इंदो तंजे करे या पॉसिबल ना है एड़े किस्म जे प्रिंसिपल के असा चा चोंदा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चोंदा यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चाहे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इहो आहे त सर लाइट हली वे मो ना इन करे थी सके तो मुजो फेस आन हाने डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इहो आहे त हर एक टर्म जी डायमेंशन कहे भी इक्वेशन में सेम होजन खपे जी सर थोड़ो एक नेक्स्ट कजो एक इक्वेशन आहे टा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जी हाँ हाँ तो हेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर दिस इज अबाउट हाँ हन इक्वेशन में जेके यू टी एकड़ी टर्म आ उनका पो 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर बी टर्म आ जेकर ता यू टी जी डायमेंशन दिसंदो आई 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर जी डायमेंशन दिसंदो तो ये बई पान में एक जेतनु डायमेंशन या एक जेडियु डायमेंशंस होंदियो हाँ यू टी एकड़ी टर्म आ 1 अपॉन 2 मा वरी जमा दो वा बी टर्म हाने टर्म वरी छा होंदी है टर्म जो मतलब है प्लस आई माइनस जे विच में जेका भी शय अचे थी ठीक है वो भले मल्टीप्लाई में होजे या डिवाइड में होजे प्लस आई माइनस जे विच में जेका वो शय अचे थी उन के असा चा चोंदा सी टर्म चोंदा सी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ई हो है हर एक टर्म जी डायमेंशन चा होजन कपे सेम होजन कपे तदी वनी हुआ शय या हुआ जेका सो क्वांटिटी या वो जो टर्म्स एंड पान में ऐड थी अदरवाइज ऐड न थी ठीक है इनके असा चा चवना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यो चवंदो हर एक टर्म जो डायमेंशन चा होजन कपे सेम होजन कपे तंजे करे वो ऐड या सबट्रैक्ट थी सकदी अदरवाइज वो पॉसिबल ना है ओके सर नेक्स्ट कजो हाँ नेक्स्ट है कंक्लूजन जो डायमेंशन में पढ़ो हाँ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्यों था फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन होजन खपे सेम होजन खपे डायमेंशन एनालिसिस कंदी छो फायदेमंद उनकी एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस हेल्प कंदी
छा में रिलेट करण में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के अस कंपेयर कना या रिलेट रिलेशन दिखाण ला अस के डायमेंशन एनालिसिस कराईती हुंदिया या कम में हुंदिया बियो चा चेक डेरिवेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन का इक्वेशन लिखला ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल आहन या नाहन उनके चेक करण ला अस छा यूज कना आयो डायमेंशन एनालिसिस यूज करना जे अगर हर एक टर्म जी डायमेंशन सेम आ अस चोंदा सी इक्वेशन सही आ है जे हर एक टर्म जी डायमेंशन सेम ना है अस चोंदा सी या इक्वेशन सही ना है इज इट क्लियर मुझे ख्याल में अस जो लेक्चर आज जो पूरो थियो ए जे अगर हनमा को वो क्वेश्चन हो जे जे अस मुंडा गदी हनमाल ने पढ़ियो आ जे अगर कहीं भी दोस्त के क्वेश्चन हो जे या का भी क्यूरी हो जे तो वो अस आगे इते इनबॉक्स करे पूछी सके तो उम्मीद क्या थी लेक्चर फायदेमंद रो छो तो अस टाइम डिले कर तो असाजे लर्नर सफर पे हो वरी भी मदद क्यों कोशिश क्यों सो कम्युनिकेशन के इम्प्रूव कर सकूँ।